ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस के लिए हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो एडिटिंग सर्विस की अगर ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हॉस्पिटल फाइल कैसे तैयार करेंगे कोरलड्रॉ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है जो हमें यूज़ करना है फाइल में। तो सबसे पहले तो मैं साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ हमारा A4 ही रहेगा फाइल का साइज़। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा। अब हम यहाँ से पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपना। ये कर्व लेने के बाद इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इस कर्व को हम डुप्लीकेट करेंगे ड्रैग एंड राइट क्लिक, डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसे रोटेट करेंगे, ये हो गया। अब शेप टूल लेंगे, यहाँ से शेप बना लेंगे दो, और लाइंस को हम डिलीट कर देंगे, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फाइल में जो लोगो में कलर है वही हम यूज़ करेंगे इसमें, वही हम करने वाले हैं। काम करते हैं, मैं पहले कलर भी यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये मैंने कलर यहाँ सेट कर लिया है, ये कलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ब्लू वाला कलर पहले लेंगे हम, ड्रॉपर टूल से सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिल कर दिया। इस वाले कलर को लेंगे और यहाँ पे फिल कर देंगे। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देते हैं, ये हो गया। अब इसे हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इसे हम डुप्लीकेट करेंगे ड्रैग करके राइट क्लिक, और इसे हम फ्लिप कर देंगे मिरर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे। तो पावर क्लिक को एडिट करेंगे जाके, यहाँ पे हम अब स्केयर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। इसे हम रोटेट कर लेते हैं। शेप टूल लेंगे, इन दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। अब इन दोनों को पॉइंट्स को लेके थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे ड्रैग, ये हो गया। इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। इसकी हम आउटलाइन दे देंगे 12 पॉइंट्स की, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और स्केल विद ऑब्जेक्ट लाइन को कर देंगे, ओके, ये हो गया। अब इसे हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना डुप्लीकेट करेंगे, एक ड्रैग करके राइट क्लिक तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब बाहर वाला जो है इसकी आउटलाइन हम नन कर देंगे, और इसमें हम जो हमने यहाँ पे कलर लिया था वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया। इसे हम छोटा करते हैं थोड़ा, इतना। इस वाले बॉक्स को साइड में लेके जाएंगे, फ्री हैंड टूल लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे हम सेंटर में रखेंगे और यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद इसे ब्रेक कर लेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। हमें बस एक ही पार्ट चाहिए, ये वाला। अब इसे हम यहाँ से एक काम करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर कर लेते हैं और इसे हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम सेम कलर फिल करते हैं पहले तो, ये हो गया। और अब इसे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये ठीक है। अब इसे हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके डुप्लीकेट, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, लाइट वाला कलर ऊपर फिल करना है,
सबसे पहले तो इसे हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पर, ये इस तरह का, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। एक काम करते हैं, हम पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से और इसे हम यहाँ पर लेके आते हैं। ये होगी, दोनों को हम यहाँ पर लेके आएंगे। एक तो बॉक्स हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा यहाँ पे इसी के साथ में। इसमें हम लाइट कलर कर देंगे, इसमें डार्क कर देंगे। सॉरी, ये ऊपर डार्क रहेगा तो ये वाला डार्क होगा और ये लाइट हो जाएगी ऐसे। ये हमारा सेट हो गया यहाँ पे, और इसे हम बैक साइड पे करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर में जाके, साइड पे लेके आएंगे। ये अभी इसे हम सेंटर में लेके जाएंगे, फिर फ्रंट पे ले आते हैं, और इसकी आउटलाइन का कलर जो है हम वाइट कर देंगे। ये हो गया, जो हमारी इमेज है वो हम लेके जाएंगे। ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, कट कर लेंगे और पावर क्लिप के अंदर जाके, एडिट में जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे यहाँ पे और पावर क्लिप, तो ये इस बॉक्स में पावर क्लिप हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पे दोबारा राइट क्लिक करेंगे, फिट कंटेंट में जाके फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी फिट हो जाएगी। आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसे हम थोड़ा सा कम करते हैं, इतना ठीक है। अब इसका हम डुप्लीकेट करेंगे राइट क्लिक करके। सॉरी, हम पहले इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, तीनों को, और डुप्लीकेट करेंगे और इसे छोटा कर लेंगे। छोटा करके हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें ये इमेज को इससे रिप्लेस करना है। इसे हम कट करेंगे, इसमें हम एडिट करेंगे पावर क्लिप को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस इमेज को डिलीट करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे और बड़ा कर देंगे। ये हो गया, इसे हम क्लोज कर देते हैं पावर क्लिप को। ये तो इतना हमारा सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम मार्जिन, पहले मार्जिन लगा देते हैं कंट्रोल टूल से सेलेक्ट करके, 12 mm का मार्जिन लगाएंगे हम। 12 mm अगर हम लगाते हैं तो वो हाफ इंच होता है, तो हम हाफ इंच भी लगा सकते हैं, या फिर अगर mm में वर्क कर रहे हैं तो हम 12 mm लगा सकते हैं। जैसे हम ब्रेक कर लेते हैं, अपना लोगो जो है हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये हो गया, मैंने टॉप लाइन किया इसको और राइट लाइन कर दिए। ये हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है टैग लाइन है, इसे हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट हम रेलवे कर लेते हैं, यहाँ पर लेके आएंगे। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से ब्रेक करने के बाद इसे यहाँ पर लेके जाएंगे टैग लाइन को, और इसे थोड़ा सा हम स्टाइल देंगे। ये ऐसे हो गई, सॉरी, इसे हम कर देते हैं बोल्ड। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा सेकंड लाइन वाला, इसको हम ब्लू कलर करेंगे और इसे भी ब्लू कलर कर देंगे ऐसे। इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेते हैं, 18 points, ठीक है। ये हमारा सेट हो चुका है। जो हमारा ये इमेज है इसे हमें थोड़ा बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक सभी को सेलेक्ट करके हम बड़ा करेंगे, और ये जो बॉक्स है बॉर्डर, इसे हम कम करेंगे। ये हो गया, एक काम करते हैं सभी को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये हो गया, अब हमें जो है यहाँ पे एक फिल के लिए कॉलम बनाना होगा, तो नेम फिल के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है
कंटेंट, इसको हम फॉन्ट इसका नॉर्मल करते हैं, ये हो गया, और इसको हम ब्लू कलर कर देंगे। फ्री हैंड टूल लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसे हम 1 पॉइंट की लाइन दे देंगे, ओके 0.75, और स्केल कर देंगे, इसे भी हम ब्लू कलर कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एज, जेंडर और कॉन्टैक्ट। एज जस्ट एक नंबर होता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, लाइन एक ड्रैग करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे राइट क्लिक से, और इस लाइन को हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि एज के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है, तो इतने में वो एडजस्ट हो जाएगा। अब जेंडर को हम यहाँ पर लेके आएंगे और कॉन्टैक्ट को भी यहाँ पर लेके आएंगे। इसे हम ड्रैग करके राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, एक और बार करेंगे, ये हो गए, और इसे हम यहाँ तक ले जाएंगे, इससे राइट अलाइन कर देंगे, ये हो गए, इसे ऊपर लेके जाएंगे। अब ये जो वाली लाइन है इसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे भी डुप्लीकेट कर देंगे, इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ तक, इसे भी यहाँ तक। तो ये हमारा सेट हो गया है। इन सभी को ग्रुप करेंगे, शिफ्ट के साथ मार्जिन बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस कर देंगे, तो ये सेंटर में हो जाएगा अलाइन। यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये तो हमारा फ्रंट जो है कवर वो डिज़ाइन हो चुका है फाइल का। इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप कर लेते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हम साइड में लेके जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, मतलब कि बैक साइड भी करनी है, तैयार सेम साइज ही होगा, तो जो विड्थ है वो डबल हो जाएगी। तो विड्थ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा जो पेज का साइज है वो डबल हो गया है, विड्थ का, पेज की विड्थ जो है वो डबल हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसे पहले तो अलाइन में जाएंगे, यहाँ से पेज एज पे क्लिक करके राइट अलाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करके डुप्लीकेट कर लेंगे, ऐसे ये हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद अनग्रुप करेंगे पहले तो, और जो हमें कंटेंट नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर देंगे। ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम पहले तो एडिट करते हैं, अंदर जाके इसमें बड़े वाले बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं, छोटे वाले को हम यहाँ पे इमेज को निकाल देते हैं यहाँ से, और इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, बॉक्स को डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल आर से एक और डुप्लीकेट करेंगे, सॉरी, इसे ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा यहाँ से, ये यह डुप्लीकेट यहाँ पे कंट्रोल आर करके यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, ये हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, हम इसे फ्लिप कर देंगे, ऐसे ये फ्लिप हो गया। अब हमारा जो यहाँ पे कंटेंट है वो हम लेके आते हैं, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है पीछे, ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, इसे ग्रुप करेंगे और लेफ्ट अलाइन कर देंगे, ये हो गया। बाकी का भी कंटेंट जो है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, इस तरह से, ये हो गया। फ्रेम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लेफ्ट अलाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पे पेज है सिलेक्ट है, हमारा जो ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे, क्यूआर कोड जो है वो हम यहाँ पे कॉर्नर पे ले जाते हैं,
और जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले तो हम कंट्रोल के से ब्रेक कर लेते हैं लाइन्स को और इसे सेट करेंगे यहाँ पे। ये इसके साथ यहाँ पे ये यहाँ पर ये हो गया, इसको हम यहाँ से ग्रुप करेंगे और राइट साइड पे लेके जाएंगे, इसको भी हम ग्रुप कर लेंगे और इन दोनों को अलाइन कर देते हैं यहाँ पे, ग्रुप करके सेंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम फोटोज भी यहाँ पे ले जाएंगे, कट करेंगे, पावर क्लिप के अंदर जाएंगे, एडिट यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट क्लिक करके ऐसे ही इसमें पावर क्लिप कर देंगे, दोबारा राइट क्लिक करेंगे और इसको हम फिट कर देंगे इसमें। ये हो गया फिट, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन रेडी है, यहाँ पे लेके जाएंगे इसको और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, लोगों को भी लेके आते हैं कॉपी करके और यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा फाइल का डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस के लिए हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो एडिटिंग सर्विस की अगर ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं।